चरण सिंह राजपूत। हम यहाँ पर दिल्ली जो दर्शन गांधी जो है अपने यहाँ, हम माननीय बसंत जी की मार्फत आए हम यहाँ पर, कारगिल हाट लगा है यहाँ पर कारगिल का, और ये करीबन हम इसको 1994 से काम कर रहे हैं इसका लेंट आना पर। ये जंगल की खरपतवार है, इसके मतलब बहुत नुकसान है, गाय बकरी भैंस के लिए बहुत नुकसान होता है, अगर वो इसको खा जाती तो वो मर जाती हैं, जहरीला होता है। अगर आदमी भी इसके फूल को खाता है कभी खाली धोखा से, वो मतवाना उसको लग जाता है, मतलब सर चकराने लगता है। और आपकी राय में जैसे कि आप बना रहे हैं सर, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो रोजगार सृजन में ही बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा जी। अगर इसका इसमें हमें थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इसका रोजगार के लिए। जी, रोजगार के लिए। अच्छा, कब से आप ये सब काम हम 1994 से काम कर रहे हैं इसका। और आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में तो स्व सहायता समूह के लोग रहते हैं, जगह जो गांव गाँव SGSY के जो समूह बने हुए जिला स्तर से, उनके माध्यम से हम जिला पंचायत में जाते हैं, उनको सिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी हमारे यहाँ इसका बहुत किए हैं, मार्केट तो इतना नहीं हो पाया डेवलप, पर हम इसको कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। प्रदेश के माध्यम से ये जो जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगते हैं उसके माध्यम से जाते हैं हम लोग, और करीबन मैंने अभी मध्य प्रदेश और आसपास के जो एरियों में 5,000 लोगों से मैंने रोज़गार जोड़ा हूँ इसमें। इसको खजूर बोलते हैं और वेस्ट मटेरियल है ये भी जलाया जाता है। हमें आर्थिक अगर मदद मिल जाए तो हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे कुछ। तो मतलब जैसे राज्य सरकार, आप मध्य प्रदेश से जी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता? अभी नहीं सहायता नहीं, अभी मैं अमरकंटक यूनिवर्सिटी से माननीय प्रणब मुखर्जी की तरफ आया था विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने फिर मुझे प्रेजेंटेशन किया उनकी, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, बोले तुम लोग इस में कर रहे काम लोग ये फालतू वेस्ट लकड़ी में, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी जी। उन्होंने किस तरीके का मदद करने का आश्वासन आपको? मदद बोले कि कुछ करेंगे आपके लिए, ऐसा बोले हमारे। अच्छा। मदद के लिए बोला जी। जी, संस्था के माध्यम से राजेश मालवी जी हमारे नागपुर के हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है हम लोगों को जी। पूरा होगा ये वॉल हैंगर काम भी आता है ऐसा, पूरा सेल टेप चिपक जाता है सेल टेप से, खराब नहीं होती, खराब रहती है। पॉकेट निकल रहे हैं जी, पॉकेट बना हुआ है जी, बना रहेगा पॉकेट। नहीं, खजूर के नीचे रखते थे। आप अपने परिवार में आप ही कर रहे हैं और नहीं कर रहा हूँ? अभी नहीं कर रहा हूँ। चेयर बना है इसी की, लेंटर है जी, बास्केट है जी, स्टूल है जी, गमला है जी वाला। मजबूती बहुत रहती है पूरे इसमें, 80 किलो का आदमी बैठ सकता है इसमें, एक आदमी एक बहुत मतलब सपोर्ट बहुत देते हैं इसमें सब ज़्यादा जी। मैंने ट्रे वगैरह बनाया है जी, झूला बना है जी, ये बच्चे झूलते हैं जो मड़ई मेले में बच्चे झूमते रहते हैं उसको बनाया, ये चेयर बनी है जी वाली। संदर्भ पहला प्रयास जी, गुलदस्ते बनाए थे पत्तियों का बना जी, इसी खजूर की पत्ती का बना ये पूरा वाला है, अभी बन रहा है, चालू कर रहा है, पेन स्टैंड ऐसा बनाएंगे पूरा ऐसा पैक कर देंगे, इसी गमले रूप में बना देते हैं इसमें अलग अलग। हाँ, पर जी कभी ख़राब नहीं होती, हम लोग मतलब कीमत भी कम है इसकी, इसकी कीमत ज़्यादा मतलब 70 से 75 रुपये तक की कीमत है इसकी बस। और आज हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं लोग, प्लास्टिक ना करके हम इसको यूज कर रहे हैं, ट्रे में भी हमने ऐसा बनाया, इसमें फल रखने से फल ख़राब नहीं होता, बास्केट है जी पूरा, और जी पूरा फोल्ड हो जाते हैं ऐसा, ऐसा हो जाएगा पूरा, इसकी बड़ी कला जी है सबसे ज़्यादा। और इसमें फल कभी ख़राब नहीं होता, आप फ्रिज में रख दीजिए फल रखने उसके लिए, मतलब जी हमने अभी अभी यहाँ पर मेला हम 200 पीस के ऑर्डर है, बसंत जी ने बोले हैं कि सिर्फ तुमको बनाना है, सिखाना है बच्चों को, देखना है, ये हमारा काम उद्देश्य है, हम लोग 10 रुपये का पेट पालन कर रहे हैं।